morning, students. Today I will teach to you a new chapter, linear equation in two variable. Okay, and this is your fourth chapter. And what is a linear? Linear is an algebraic expression which have a degree 1. Okay, when I use a equal sign, then it is an equation. And when I use a two variable, then it is a linear equation of a two variable. So now this is a linear equation of two variable, because here x and y, two variable are used. Okay, and its degree is 1. X degree is also 1. Y की डिग्री भी ए वन ही है. ठीक है, अब तो ये कैसा है, ये लीनियर इक्वेशन है. इक्वल साइन का यूज होने पर ये इक्वेशन कहलाएगा, और ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. ओके, तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल. नाउ हियर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, बट इट इज अ वन वेरिएबल, बिकॉज we use only x variable. So here this is a linear equation of a one variable, and this is a linear equation of a two variable. So that is a linear equation in two variable. And that is a linear equation in one variable. Okay, so this is a linear equation in one variable. Okay, now some properties of a linear equation. The same number is added to or subtract from both sides of the equation. मतलब अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड में, जैसे x प्लस वाई दिया हुआ है, और इस दोनों के साइड में अगर हम प्लस टू कर देते हैं, 5 प्लस 2, ओके, तो बोथ इक्वेशन आर सेम, दिस और दिस इक्वेशंस विल बी सेम. ओके, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये दोनों सेम इक्वेशन है. मतलब ये x प्लस वाई प्लस टू इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7, ये वही इक्वेशन है. मतलब हमारा कहने का सेंस ये है कि अगर हम किसी भी एक फिक्स कांस्टेंट नंबर का इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम ऐड कर दें या सब्सट्रेट कर दें, हमारा इक्वेशन पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर इसी को हम माइनस भी कर दें तब भी ये सेम है. जैसे x प्लस वाई माइनस टू और ये 5 माइनस 2. अब हम ये -2 -2 दोनों साइड माइनस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 3. ओके स्टूडेंट्स, तो ये x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक क्या है, ये भी उस इक्वेशंस के इक्वल ही इक्वेशन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. क्लियर है बात. अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, यू मल्टीप्लाई आर डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड, मैंने सपोज दैट ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन लिया है, और इसके दोनों साइड अगर हम 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. ठीक है, तो ये इक्वेशन और पहली वाली इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, अगर हम इसमें डिवाइड भी कर देते हैं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कोई इक्वेशन में चेंजेस
नहीं होंगे, मतलब कि हम ऐसी रिक्वायरमेंट जहां होगी वहां पर हम ऐसा करेंगे तो हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस को लेकर के। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 4.1 ऑफ क्वेश्चन 1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हम एज्यूम करें लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोट बी टू बी इक्वल टू रुपीज एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक कॉस्ट क्या है एक्स रुपीज, इज ट्वाइस ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन क्या है ट्वाइस ऑफ इनटू वाई रुपीज। तो ये क्या हो गया, राइट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो ये एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू इंटू वाई एक्स, इसको इधर हम भेज देंगे तो ये माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल। ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर इसका भी वन है और इसका भी वन है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल का यूज हुआ है एक्स एंड वाई का, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन टू इज गिवन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस। तो हियर ए बी सी इज व्हाट, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equals to 9.35 और बार इस पे 5 पे बार लगा है। तो अब हम जो है इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखेंगे, तो इसको ये क्या है इक्वल टू 2 है और ये इक्वल टू 0 है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है 2x plus 3y minus 9.35 बार is equal to 0। ओके तो दिस इज अ 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बाय 5 बार। ओके और इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इन द प्लेस ऑफ a व्हाट इज द वैल्यू, a इज इक्वल टू 2। इन द प्लेस ऑफ b इज व्हाट प्लस 3 एंड इन प्लेस ऑफ c, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस सी है लेकिन यहाँ पे माइनस है, अगर इसको हम प्लस बनाना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, प्लस और ब्रैकेट में माइनस 9.35 बार। ओके तो ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 9.35 बार। ओके नाउ सिमिलरली ये इक्वेशन x माइनस वाई अपॉन 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो है ये x और इसका कोफिशियंट अगर हम प्लस में करके लिखें ये क्या लिखेंगे माइनस 1/10। ओके इंटू y प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके तो ये क्या हो गया x प्लस माइनस 1 अपॉन 10 वाई प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब इसे कंपेयर करेंगे, इसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन इज व्हाट गिवन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इससे इसको हम कंपेयर कर देंगे, इन द प्लेस ऑफ a
यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स ए है, यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है, वन है. इन द प्लेस ए इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज वन. इन द प्लेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये माइनस वन बाई टेन. एंड इन द प्लेस ऑफ सी क्या हो जाएगा, दैट इज अ माइनस टेन. और इसको अगर फ्रैक्शन के कंपेरिजन में, अगर हम इस फ्रैक्शन को, इसको चाहते तो हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे. क्या करते कि भाई ये 10 का एलसीएम ले लेते, या पूरी इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते. तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर हम किसी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो इक्वेशंस की वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं होते. तो अगर हम उस तरह से इक्वेशंस को अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x और माइनस 10 इंटू वाई अपॉन 10, एवरी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 0 इंटू 10. ओके, 0 इज इक्वल टू 10 हो गया. तो ये 10 से ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो नाउ 10x माइनस वाई, 10 10 जा क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 0. ओके, तो अब इस तरह से अगर इससे कंपेयर आप करते हैं तो तब जो है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू माइनस 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 100. तो इस तरह से ये भी आंसर हम अपना उस क्वेश्चन का दे सकते हैं, ठीक है. और ये भी सही है, ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू, थर्ड वाला होमवर्क है, फोर्थ पार्ट इज गिवेन एक्स इज इक्वल टू 3y. तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, इट इज क्लियर. तो ए एक्स माइनस 3y, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारा जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एक सी भी होता है, तो सी तो इसमें दिया नहीं है. तो ये एक्स प्लस माइनस 3y प्लस सी की जगह पे 0 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और इसका कंपेरिजन किससे कर देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 1, बी की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस 3, और सी की जगह पे क्या हो जाएगा, 0. दिस इज योर आंसर. ओके, दिस इज योर आंसर. तो नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. तो यू सॉल्व ऑल द पार्ट्स एंड इफ एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क माई व्हाट्सएप नंबर. ओके, थैंक यू.